करनाल में पुराना शिव मंदिर सराफा बाजार में गंगोत्री के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जिसको श्री श्रावण ज्योत सभा के प्रेसिडेंट किशोर नागपाल ने शिव मंदिर से रवाना किया और उनकी मंगल यात्रा की कामना की। यहां हम आपको बता दें कि श्री श्रावण ज्योत सभा हर वर्ष करनाल से ज्योत लेकर हरिद्वार पहुंचने के लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकालती है और वहां पर अपनी सेवा देकर श्रावण ज्योत को लेकर वापस करनाल में पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में एक विशाल शोभा भी करनाल के मुख्य मार्गों से निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में करनाल की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के लोग भाग लेकर प्रोत्साहित करते हैं। गौरतलब है कि नगरी करनाल धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ पर हर प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं। उसी कड़ी में श्री श्रावण ज्योत सभा हर वर्ष विशाल स्तर पर श्रावण ज्योत का कार्यक्रम आयोजित करती है और हरिद्वार जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है एवं नगरी करनाल के सुख समृद्धि व उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। गंगोत्री के लिए गंगा जल लेने के लिए रवाना हुए जत्थे में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। उन्होंने शिव शंकर के नारे लगाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये करनाल से गौमुख गंगोत्री क्या करने जा रहे हैं? ये जल लेने के लिए जा रहे हैं। सावन के जल हर वर्ष जाते हैं? हर वर्ष जाते हैं। कितने आदमी का जत्था जा रहा है? 8 आदमी। तो मोटरसाइकिल पे जाएंगे सारे? सब मोटरसाइकिल पे जाएंगे। यार से हमारे सावन ज्योत के पदाधिकारी है, ये हर साल गौमुख जाते हैं सावन के महीने में और वहाँ पे गंगा जल लाते हैं। और जो यहाँ आकर शिवरात्रि पर सावन की शिवरात्रि पर गंगा जी शंकर जी का अभिषेक करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि ये धर्म का काम ऐसे करते रहे, निरंतर करते रहे। कितने आदमी यहाँ जत्था जाता है? ये 10 आदमी लगभग 10 आदमी। कितने सालों से जा रहे हैं ये लोग? इनको 20 साल काफी 20 साल के आसपास लगभग जा ही रहे हैं।